आजि बि अछि गणेशंकर कटा मुंड गुंफारे साइति रखिछन्ति देवता हेले गुंफारे पहुँचिबा पूरा असंभव अग्रपूज्य श्री गणेश से हेले देवदेव महादेवंकर पुओ तांकु सबुठु आगरे पूजा करा जाय हिंदू पुराण रे एक बड़ भूमिका रहिछि श्री गणेशंकर तेबे प्रति वर्ष पालन हुए गणेश पूजा बा गणेश चतुर्थी एही दिन खूब धूमधाम रे पूजा हुंती एक दंत तेबे गणेश पूजार अनेक विधि रहिछि जाकु पालन कले सबु भल हुए मंगल हुए एथिसहित आपणक जीवन रे वर्षा हुए सुख एवं समृद्धि आपण अनेक समय रे गणेशंकर मूर्ति देखिथिबे आउ तांको शरीर को निरीक्षण करिथिबे तांको शरीर अधा मणिष भलि आउ अधा हाथी भलि पुराण अनुसार दिने तपस्या करुथिले माता पार्वती ए गुंफा मध्यरे घोर तपस्या रे सेलि नथिले ए समय रे तांको शरीर रु जन्म नेथिले गजानन एकथा महादेव जानि नथिले दिने महादेव पार्वती को देखा करबा को आसिले हेले गुंफा सम्मुखरे रहिथिले गणेश गणेश तांको भीतर को छाडे नथिले फळरे रागी जाय गणेशंको मस्तक को शरीर रु अलगा करि देथिले महादेव जहाँ परे पार्वती सब कथा कहते महादेव निज क्रोध पाई पश्चाताप करते उत्तर दिग को मुंड कर एक हाथी मस्तक गणेश लगी तेरे से दिन महादेव जो मुंड काटी आज भी रही सेमिति पाताल भुवनेश्वर गुंफा यह रखा जा तेरे गुंफा रही उत्तराखंड हिमालय पहाड़ में पैथरागड़ जिलूर 14 किलोमीटर गले एक गुंफाटी पड़ी था ले जागा को जीवा एत सहज कथा नुहे समुद्र तटर 1400 फुट उच्चतार रही गुंफा जो रही बड़ बड़ साप एवं जंतु तेणु एठा को कही जापारती ना सबुदिन राति गुंफा मध्य गर्जन शुभे कहीं कहीं यह निश्वास शब्द बोली कही था एठारे गणेश एवं महादेव अवस्थित नहीं रही प्रमाण भुवनेश्वर गुंफार लंबा 160 मीटर होता बेले यह प्राय 90 मीटर गभीर बोली कहते स्थानीय लोके तेणु एठाकू कहीं जीवा को साहस करते ना एठाकू जीवा अर्थ मृत्यु को आलिंगन करने सत्वे सामान बोली लोके कहते किसी पुराणा लोकों कहवा कथा है गणेश पूजा एठाकू देवता माने आसी थांते से माने कटा मुंड को करी थांते पूजा राति गुंफाटी आलोकित होता है आ शोभी था विकटाल शब्द एमतीक अलग भाषा गुंफार किए कथा होके शुणी तेरे दर्शक बंधु आपण जदि गुंफा को जीवा चाहती तेज भल कथा किंतु एठाकू जीवा कष्टकर तेणु सावधान सहकारे जीवा कहे सूर्यास्त आगर एठार फेरी आसतु नहले राति आज पर्यंत कहीं एले आसी ना ब्यूरो रिपोर्ट कलिंग टुडे लाइव।